उनके ओनर को दोनों किडनी फेल हो चुकी थी, तो उन्होंने संकल्प किया था। हाँ, तो अभी तक वो जिंदा है वहाँ पे और उनकी नौकरी भी सही सलामत है। उनकी ओर से मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। खुश हो बेटा, थैंक यू बेटा। उसको उस बच्ची का जो ब्रेन है वो पूरा कम्प्लीट नहीं है। हाँ बेटा, गुरुजी को कोटि कोटि सत। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। सूरत गुजरात से हूँ। खूब खुश हूँ और आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे पापा की ओर से। खुश हो बेटा। जो कि आउट ऑफ कंट्री इसराइल में है। अच्छा। उनकी नौकरी छूटने वाली थी 2 साल पहले, उनके ओनर को दोनों किडनी फेल हो चुकी थी, तो उन्होंने संकल्प किया था। हाँ, तो अभी तक वो जिंदा है वहाँ पे और उनकी नौकरी भी सही सलामत है। उनकी ओर से मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। खुश हो बेटा, थैंक यू बेटा। खूब खुश है। आपको एक कष्ट बचाओ बताइए। मुझे थोड़ा 6-7 साल से प्रॉब्लम था, लेकिन फील बेटर, अच्छा फील लग रहा है। कुछ बेटा, हाँ आपने अच्छे किए हैं, लेकिन कुछ संकल्प आपके छूट गए जो आप नहीं कर पाए। आंखें बंद करिए, एंक्लोजिंग स्पॉन लाइटिस जो शरीर बन रही थी, अकलन जकलन कंधे से नीचे रीढ़ की हड्डी उसकी स्मृतियाँ, लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ, जो संकल्प उनकी प्रार्थना में शामिल किए गए और संकल्प बना के पूर्ण कर दिया जाए। प्रहार सब नष्ट कर दिया, नष्ट करके सब काम। 5 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन कीजिए 5 बार। तो वहाँ सब फेफड़ों में इन्फेक्शन हो रहा था और लीवर में भी इन्फेक्शन हो रहा था, काफ़ी हड्डियों में हो रहा था, तमाम क्रोध बहुत ज़्यादा हो जाता था। ऐसे आपका चित्र बनता था, ऐसे बना हुआ था। अब ये सब गई है, देख रहे हैं अपना चित्र। हाँ। सोच भी का अब ये सब गया, ठीक है। बाकी जो लोग परिवार से नहीं आए उनको भी संकल्प कराते रहेंगे, शनिवार को होने वाले संकल्प में शामिल करेंगे, तो जैसे आप स्वस्थ हो स्वस्थ रहेंगे। दरबार से जुड़े रहिए, आनंद करते रहिए, अपना काम करिए अच्छे ढंग से, ठीक है। और कोई कष्ट तो नहीं है आपको? एक छोटा सा निवेदन था, मेरी लड़की है 13 साल की, तो अभी जिसको थोड़ी थोड़ी देर में भूल जाती कुछ भी। वो तो आपको भी था ना, आप सही जाती थी, ये स्मृति आपकी ही थी। दूसरा, उसको उस बच्ची का जो ब्रेन है वो पूरा कंप्लीट नहीं है, है ना, इनका, क्योंकि उसके पैर भी कमज़ोर हैं। उससे पूछना, बताएगी साथ में आइए। हाँ पूछेंगे, बताएंगे, बुलाइए उसको, बुलाइए। उसको पैरों में कमजोरी है और डाउन सिंड्रोम, माइल्डली जो है वो डाउन सिंड्रोम है। नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है आपका? हैंसी। ओ, बड़ा सुंदर नाम रखा है आपने अपना। तो अब आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, पैरों में कभी कमजोरी महसूस होती थी बैठने उठने? हाँ। चलने में है ना, आप देखिए चल फिर के उठ बैठ के, आपको कोई कमजोरी है पैरों में? चेक करिए, बैठ उठ के देखिए, आपको कोई कमजोरी लग रही है? हाँ। आपको कोई कमजोरी है पैरों? हाँ। में कमजोरी लग रही है? अभी भी लग रही है? हाँ। पक्का? चेक कर लो बेटा, फिर चेक कर लो। अभी तो तुम फर्स्ट क्लास उठ बैठ रही, फर्स्ट क्लास, कोई ताकत नहीं लगाना पड़ रहा। हाँ बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है। इसने पहले कभी आपको नहीं बताया कि पैरों में कमजोरी है? नहीं, कभी नहीं बताया इसने। नहीं बताया? नहीं बताया। लेकिन दरबार देख रहा था, इसके पैरों में वो कमजोरी है, MND की स्मृतियाँ थी इसमें, मोटर नर्व इसकी डैमेज हो रही थी। भविष्य में क्या होता है, बैठ के उठने में प्रॉब्लम इसको होती बहुत, बैठ के उठने में ही समस्या होती बहुत, उठाना पड़ता है। वो तकलीफ तो मुझे भी होती है। तो वही तो आपसे तो गए बच्चे, आप ही कहें ना। स्मृतियाँ तो एक ही रहती है, अभी सब डिस्ट्रॉय है, सारी स्मृतियाँ नष्ट हैं, है ना।
लेपन जरूर करिएगा, एक स्लिप दे दी जाए, एक महाहवन बेटा दरबार से कराया जाता है असाध रोगों के लिए, है ना, तो वो निःशुल्क दरबार की ओर से एक दिवसीय महाहवन है, तो अपना और बच्ची का संकल्प लेके करना, ठीक है, डेट ले लेना ऑफिस से जाके, एक स्लिप दे दो बेटा, नज़दीकी डेट का दे दो।